आज के इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ के फ्लेमिंगो बुक के इस प्यारे से चैप्टर 4 ए रोडसाइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। आज हम इस चैप्टर के समरी स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे और इससे रिलेटेड सभी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग और उससे रिलेटेड पोएटिक डिवाइस को एक्सप्लेन करेंगे। विदाउट wasting any more time, let's start this video. Chapter का नाम है A Roadside Stand, जिसका मतलब होता है एक ऐसा सड़क के किनारे एक ऐसा stand का अर्थ है कि एक अस्थाई संरचना जो बिना घेरे वाली हो और इस तरह डिजाइन और निर्मित की गई है कि इसकी संरचना आसानी से पोर्टेबल हो या आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सके और जो सड़क के सटा हो और सड़क के किनारे उपयोग किया जाता हो। इसका पूरा का पूरा यही मीनिंग होता है। इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने गांव में रहने वाले गरीब लोगों के जीवन का चित्रण किया है और साथ ही वे अपने गहन संवेदना और मानवता की भावना को प्रस्तुत किया है। तो इसका जो पहला स्टैंजा है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ ए लिटिल न्यू सेडलेन फ्रंट एट द ईज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीड इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड वाइदरिंग फेंट द पॉलिशिंग ट्रैफिक पास्ड विथ ए माइंड अहेड और इफ एवर असाइड ए मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट एट हैविंग द लैंडस्केप मैरिड विथ द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स आर क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वास विथ सिल्वर स्वार और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटिफुल माउंटेन सीन यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू ए बी मीन वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग। पोयम काफ़ी लेंदी है, इसका जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है उसके अनुसार पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो पहला वर्ड है वो सेड है जो कि आप देख पा रहे होंगे। सेड मीन्स होता है छप्पर, जो सड़क के किनारे घर के सामने एक छोटा सा लोग लगा देते हैं। एज अगला वर्ड है, एज एज मीन्स होता है किनारा। नेक्स्ट है ट्रैफिक स्पीड मीन्स गाड़ियों की तेज यातायात। रोड साइड स्टैंड जो होता है उसको स्टॉल कह सकते हो या बाय द साइड ऑफ रोड कह सकते हैं। पैथेटिकली मीन्स होता है दयनीय पिटिएबल। प्लीड मतलब होता है विनती करना याचना करना। डोल ऑफ ब्रेड खैरात भीख जिसको कहते हैं, डोल ऑफ ब्रेड चैरिटी दान। कैश फ्लो मीन्स होता है नगद राशि। सिंकिंग मीन्स होता है यहाँ पे खराब हो जाना। वाइदरिंग मीन्स होता है मुरझाना या कुमलाना। माइंड अहेड मीन्स होता है सीधा आगे बढ़ना। एसाइड मीन्स होता है एक तरफ। आउट ऑफ सॉर्ट मीन्स होता है झुंझलाए हुए। लैंडस्केप का मतलब होता है भूदृश्य। मैरिट का मतलब होता है खराब हो जाना। आर्टलेस पेंट का मतलब होता है भद्दा रंग। साइन मीन्स होता है चिन्ह और क्रूक नेक्ड मीन्स होता है मुड़ी हुई गर्दन। गोल्डन स्क्वास मीन्स होता है सुनहरी लौकी। सिल्वर वांट्स मीन्स होता है चांदी जैसे धब्बे। गो अलोंग का मतलब होता है आगे बढ़ो। कहने का मतलब ये है, इस कविता में सड़क के किनारे बने एक सेड के बारे में बताया गया है जो सड़क के किनारे बने घर के बाहर बनाया जाता है और शहर के लोग जिस प्रकार उस पर अपनी प्रतिक्रिया करते हैं उसे इस पूरे स्टैंजा में एक्सप्लेन किया गया है। कवि कहते हैं कि सड़क के किनारे एक पुराना घर है। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ ए लिटिल न्यू सेडलेन मीन्स सड़क के किनारे एक पुराना सा घर है जिससे एक छप्पर बाहर निकला हुआ है और यह छप्पर सड़क के किनारे की ओर है। मकान मालिकों ने यह छप्पर किनारे की ओर इसीलिए बनवाया है जिससे सड़क पर तेज गति से गुजरने वाले वाहनों का ध्यान इस पर आ जाए एवं वे वहां बिकने वाले सभी खाने की सामग्रियों को खरीदेंगे। यही सोचकर एक गरीब
व्यक्ति जो है अपने घर के सामने एक छोटी सी स्टॉल डालकर चीज़ों को बेचता है। यह छप्पर एक दयनीय दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट आया है, रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीट। पैथेटिकली मीन्स दयनीय, यानी ये जो बनाया हुआ है देखने में बहुत ही अजीब सा लगता है और दयनीय दृश्य को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भोजन की भिक्षा मांग रहा है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड, मीन्स कह रहा कि ऐसा लगता है कि ये लोग भोजन की भिक्षा मांग रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। इसके विपरीत, इसे बनाया इसीलिए गया था ताकि इतनी सुंदर गाड़ियों में शेड के समीप से गुजरने वाले लोग वहां आके रुकें एवं कुछ सामग्री खरीदें, जिससे मालिकों के हाथ में कुछ नगद राशि आए और वे शहर में बिकने वाले सामानों में से कुछ खरीद सकें। गरीब लोग यह मानते थे कि जो पैसा अमीर लोग अपने बगीचों की फूलों में सजाने में खर्च करते हैं, देखिए लिखा हुआ है सम ऑफ द मनी बट इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड बट सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड वाइदरिंग फैंस। मीन्स गरीब लोग यह मानते हैं कि जो पैसा अमीर लोग अपने बगीचों को फूलों में सजाने में खर्च करते हैं, अगर वह पैसा समाज के वंचित वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है, किंतु अमीर लोग सेठ पर ध्यान दिए बिना ही वहाँ से गुजर जाते हैं। यदि कोई रुकता भी है तो इसलिए क्योंकि वह उस गंदे रंग एवं सजावट को देखकर झुझला जाता है जो उस क्षेत्र के सुंदर भूदृश्य को बिगाड़ रहे थे। इसके साथ वह सेट पर एक बोर्ड या क्षेत्र के अंग्रेजी शब्द स्टैंड लिखा हुआ था तथा वह इस प्रकार रंगा जाता था कि तथा वह इस प्रकार रंगा गया था कि अक्षर एस एस फॉर साउथ होता है एंड एन एन फॉर नॉर्थ होता है, उल्टे लिखे हुए हों। तो यहाँ एस और एन जो है डायरेक्शन को दिखाया गया है, तो वो लोग आके टिप्पणी करते हैं कि तुम्हारा नॉर्थ गड़बड़ है, साउथ गड़बड़ है, जो इस इलाके के लोगों की लापरवाही दर्शाता है। इस छप्पर के नीचे लकड़ी के डिब्बे में जंगली जामुन तथा मुड़ी हुई गर्दने एवं चांदी जैसे रंग के चमकने वाली लौकी बेची जाती है। मतलब जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं सड़क के किनारे लोग सब्जी वगैरह बेचते रहते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इन वस्तुओं के अतिरिक्त वह स्थान सुंदर वातावरण में ठहरने का प्रस्ताव भी देता था। हालांकि पर्यटन यह मानते थे कि ये गंदे तरीके से बने स्टॉल उस परिदृश्य की मौलिक सुंदरता को खराब करते हैं। जो समृद्ध लोग वहाँ से गुजरते थे उनके पास पैसा तो था किंतु उसे खर्च करने की कोई इच्छा नहीं होती थी। उनके अनुसार जो लोग सड़क के किनारे बने स्टॉल की देखभाल करते थे वह स्वार्थी एवं कंजूस थे। वे पैसा अपने पास ही रखना चाहते थे, उन्हें खर्च नहीं करते थे। इसीलिए लास्ट लाइन में लिखा गया है द मनी यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा है बट यू वांट टू बी मीन, लेकिन अगर तुम कंजूस बनना चाहते हो तो वाई कीप योर मनी, तो तुम अपना पैसा क्यों रखे हो एंड गो अलॉन्ग, आपको यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव कर जाना चाहिए। इसी के साथ साथ जो दूसरा स्टेंजा है द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वाट इज अनसेड Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving picture promises and giving us the life of the moving pictures promises that the party in power is said to be keeping from us। तो जैसा कि आप स्टेंजा को देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है जो कि पहला जो शब्द है वो है हर्ट। हर्ट मीन्स होता है चोट या नुकसान। सीनरी, सीनरी का मतलब भूदृश्य। ट्रस्टिंग विश्वास। शारो दुख। अनसेड जिसे बोला ना गया हो। एक्सपेंड विस्तार करना। मूविंग पिक्चर चलचित्र या सिनेमा। पार्टी इन पावर मीन्स सस्ते में मौजूद या राजनीति दल। कीपिंग फ्रॉम अस का मतलब हमसे दूर रखना। पूरी स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है,
कवि देहाती वस्तुओं को भूदृश्य की सुंदरता खराब करने का दोष नहीं देना चाहते हैं। वे उस पीड़ा के विषय में बहुत चिंतित हैं जो अनकहे शब्दों द्वारा ग्रामीण परिवेशों के लिए लोगों के विश्वास को चोट पहुंचाती है। देहाती लोग यानी गांव के लोग ने गांव की इतनी सुंदरता, इतनी दूरी पर स्थित सड़क किनारे स्टैंड इसीलिए लगाया है ताकि वे कुछ नगद राशि कमा सकें। यानी जो गरीब लोग होते हैं वो स्टैंड क्यों लगाते हैं? ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके, यह उम्मीद करके कि सामने से शहर वाले जाएंगे, पैसे वाले जाएंगे और उनके वस्तुओं को देखकर जरूर उनसे कुछ चीज़ें खरीदेंगे जिससे उनकी भी कुछ अर्निंग हो जाएगी। गांव के लोग फिल्मों में दिखाई जाने वाली आरामदेह जीवन शैली को पाने की इच्छा रखते हैं। वे आशा के विपरीत भी यह आशा करते हैं कि शहर के नागरिक संभवतः उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता देने के वादे को पूरा करेंगे। हालांकि ऐसा करना सत्ता में रहने वाले राजनीतिक दल के कार्यक्षेत्र का हिस्सा होता है। तीसरे स्टेंजा में एक्सप्लेन किया गया है, इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटिएबल कीन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेज नेक्स्ट टू थिएटर एंड द स्टोर वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनी मोर व्हाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशेंट वीस्ट ऑफ प्रे स्वाम ओवर दियर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ दियर वीट्स एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू कीप द स्लीप ऑल डे डिस्ट्रॉय दियर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है पिटीफुल, पिटीफुल मतलब दयालु होता है, कीन, कीन का मतलब संबंधी होता है, मर्सीफुल दयापूर्ण, गैदर्ड मीन्स एकत्रित होना, थिएटर सिनेमाघर, स्टोर दुकान, बेनिफिशेंट दयालु, बीस्ट ऑफ प्रे मीन्स शिकारी पशु, जंगली पशु, और स्वाम ओवर मीन्स बड़ी संख्या में मडराना, और इन्फोर्सिंग मीन्स होता है व्याख्या, बाध्य करना, बेनिफिट का मतलब होता है फायदे लाभ होना, कैलकुलेटेड का मतलब होता है पूर्व नियोजित, और सूद का मतलब होता है शांत करना, ठीक करना, आउट ऑफ वेट्स मीन्स धोखा देना, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, और एंशियंट वे मीन्स होता है प्राचीन तरीके से। इस पंक्तियों में कवि यह बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को एक गाँव में पुनर्स्थापित किया जाएगा। तो देखिए पहला जो लाइन है, इट इज़ इन द न्यूज़, यह खबर है, दैट ऑल दीज पीटीबल कीन आर टू बी ब्रॉट आउट आर मर्सीफुल गैदर्ड इन टू लिव इन विलेज, मीन्स कि इन व्यक्ति, इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को एक गांव में पुनर्स्थापित किया जाएगा जहां उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वे अपनी शहरी समकक्षों की भांति सिनेमाघर एवं राशन की दुकान जैसी सहूलियत का आनंद आसानी से ले पाएंगे। To live in village next to the theater and the store where they would not have to think for themselves anymore while greedy good doers beneficial beast of prey means जहाँ पर ये लोग अपनी हर सुविधाओं का आनंद ले सकेंगे। वे इतने व्यस्त हो जाएंगे कि उनके पास अपने विषय में सोचने एवं अपने अधिकारों के लिए लड़ने का समय ही नहीं रहेगा। संपन्न लोग को शिकारी पशु कहा गया है, बेनिफिशियर बिस्ट ऑफ प्रे यानी जो लोग अमीर हैं उन्हें शिकारी पशु डेडिकेट किया गया है, क्योंकि देहाती लोगों को लाभ प्रदान करने की आड़ में वो इनका अंतहीन शोषण करेंगे। कुछ समय पश्चात सुविधा संपन्न लोग अपने द्वारा दिए हुए वादे आसानी से भूल जाएंगे, जिस वजह से गरीब लोग और अधिक गरीब हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे। चौथे स्टेंजा में कहा गया है, समटाइम आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली हियर द थाट ऑफ सो मच चाइल्डिस हैंगिंग इन वेन लॉन्गिंग इन वेन दिस सैडनेस दैट लुर्क नियर द अपॉन द ओपन विंडो। इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है, पहला शब्द है हार्डली, हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से, बियर मीन्स सहन करना, थाट मीन्स विचार, चाइल्डिस लॉन्गिंग मीन्स होता है बचकानी इच्छा, बच्चों जैसी इच्छा, इन वेन मतलब व्यर्थ, लुर्क का मतलब था छिपे होना, ओपन प्रेयर का मतलब था प्रार्थना करना, और स्क्वील ऑफ ब्रेक्स मीन्स होता है गाड़ी के ब्रेक लगाने से उत्पन्न जो ध्वनि होती है, स्टॉपिंग मीन्स होता है ठहरना, रुक जाना, और सेल्फिश कार मीन्स होता है स्वार्थी गाड़ी वाले लोग, इंक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना,
फार्मर्स फ्रेंसेस का मतलब होता है किसानों द्वारा विक्रय की जाने वाली सामग्री, और जो यार्ड है यार्ड का मतलब होता है आंगन, अनदर का मतलब होता है दूसरा, और बाउंड का मतलब होता है ले जाना। सम टाइम आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कभी कहता कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ और मैं बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को महसूस कर पाता हूँ जब वह देहाती लोगों की पैसे प्रति मूर्खतापूर्ण लालसा को देखता है। द थाट ऑफ द मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। ये लोग अपने घर की खिड़कियाँ पूरे दिन खुली रखते हैं, मानो स्टैंड पर किसी के रुकने की प्रतीक्षा में हताशपूर्ण एवं व्यर्थ प्रार्थना कर रहे हों। जब वहाँ कोई नहीं रुकता तो उनकी निराशामय उदासी उस स्थान पर सर्वत्र देखी जाती है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, यानी गाड़ियों के ठहरने की रुकने की जब आवाज़ नहीं आती है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, यानी वहाँ हजारों गाड़ियाँ आती जाती हैं लेकिन उनके सामानों को देखने में से कोई एक गाड़ी रुकती है और वे लोग आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक और गाड़ी जिस दिशा में जाना चाहती थी उस मार्ग के दिशा निर्देशन को पूछताछ करने के लिए रुकी, और चौथी गाड़ी यह जानने के लिए रुकी कि वहाँ एक गैलन तेल बिकता है अथवा नहीं। किसान क्रोधित स्वर में बड़बड़ाए हुए लोग स्वयं देख सकते थे कि वहाँ तेल नहीं बिकता है। वास्तव में ग्रामीण लोग शहर में रहने वाले लोगों के कठोर बर्ताव से बहुत ही परेशान हैं। इसके साथ ही यह व्यवहार शहरी लोगों की सोच एवं ग्रामीण लोगों की कठोर वास्तविकता के मध्य का अंतर दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो हजारों गाड़ियां आती जाती हैं जिस पर्पज़ से किसान उन दुकानों को रखे होते हैं, लेकिन उस पर्पज़ से लोग गाड़ी को नहीं रोकते हैं बल्कि यह जानने के लिए गाड़ी रोकते हैं। किसी को रास्ता पूछना होता है तो वह उसके लिए रोकता है, किसी को ये पूछना होता है कि आगे तेल मिलेगा या नहीं मिलेगा यह जानने के लिए रोकते हैं। मतलब लोग अपनी जो इच्छाएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए उन गरीबों का इस्तेमाल किया जाता है, और वे बेचारे वहाँ पर स्टैंड इसलिए लगाते हैं ताकि उनसे कोई चीज़ें कोई ख़रीद लें और आसानी से उनकी दुकान चल सके और वो भी कुछ पैसे कमा सकें। अगला और आखिरी स्टैंजा है पांचवा, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है कंट्री मनी, ग्रामीण लोगों का जो पैसा है, कंट्री स्केल ग्रामीण लोगों का जो पैमाना है, गेन गेन मीन्स होता है लाभ, रिक्विजिट मीन्स होता है आवश्यक, लिफ्ट ऑफ स्पिन मतलब होता है बहादुरी, वॉइस ऑफ कंट्री मीन्स होता है ग्रामीणों की आवाज़, ग्रामीणों का विचार, सीम्स मतलब होता है प्रतीत होना, कंप्लेन शिकायत करना, ओविंग स्वीकार करना, ग्रेट रिलीफ गहरा सुकून, एट वन स्ट्रोक एक ही बार में, पेन पीड़ा दर्द, सीन होश, वंडर सोचना, ऑफर प्रस्तुत करना, पुट रखना, और जेंटली धीरे से या ध्यान से चीज़ों को सुनना। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अत्यंत सुकून मिलेगा यदि उन लोगों का कष्ट एक ही बार में समाप्त हो जाए, तथा वह यह भी सोचता है कि उसे कितना अच्छा लगेगा यदि हम उसे उसके कष्ट से मुक्ति दे दें। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द स्पेशल लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। आई कैन नॉट हेल्प ओविंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ दियर पेन। कभी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इन गरीब लोगों को इनके दर्द से मुक्त कर दिया जाए, एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, और अगली बार जब मैं होश में आऊँ अर्थात जब मैं नींद से बेदार हो जाऊँ तो मैं देखूँ, आई वॉन्डर मुझे देख कर आश्चर्य हो, आई शुड लाइक यू टू कम टू मी कि तुम मेरे साथ आ जाओ, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी मिलकर मेरे इस पीड़ा को ख़त्म कर दो, दूर कर दो। कहने का मतलब ये है कभी लोगों से अपील करता है कि मैं चाहता हूँ कि इन सभी गरीबों के कष्ट को दूर कर दिया जाए अर्थात इन्हें इनके दरिद्रता से मुक्त कर दिया जाए। तो इसी प्रकार ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को इसका एक्सप्लेनिंग समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें।